पूंजीपति वाला खरीद रहा है ना पैसा, वो आपको नौकरी दे, वो आपको नौकरी, पूंजीपति वाला खरीद रहा है वो आपको नौकरी दे, मर रहा है वो आपको नौकरी देगा नहीं देगा। यहाँ हर समय से गरीबी मरता है, गरीब के लिए कुछ नहीं करता है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है भैया। जी क्या करे, पूंजीपति तो खरीद रहा है ना, पूंजीपति वाला खरीद रहा है ना पैसा, वो आपको नौकरी दे, वो आपको नौकरी, पूंजीपति वाला खरीद रहा है वो आपको नौकरी दे, मर रहा है वो आपको नौकरी देगा नहीं देगा। तो भाई साहब तो कह रहे हैं कि सही हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नहीं दे रहा है, कहियो नहीं देगा। वो प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत, प्राइवेट चाहे सरकारी सब गलत है, सरकार जो सिस्टम को बेच रही है वो गलत कर रही है कि सही कर रही है, वो गलत कर रही है। लेकिन भाई साहब अभी कह रहे थे कि सही कर रही है, वो गलत कर रही है, गलत कर रही है, गलत कैसे कैसे, देखिए हर सिस्टम को यहाँ पर ही महंगाई से लेकर हर सिस्टम को यहाँ पर बर्बाद कर जा रहा है, सब महंगाई पे जा रहा है। किसी चीज को भी कहीं पर भी अगर कोई कांड हो या किसी तरह से विवाद हो, सरकार एक तो अपना कमाने के लिए दूसरा जगह से ले लेता है, मगर गरीब यहाँ हर समय से गरीब ही मरता है, गरीब के लिए कुछ नहीं करता है। क्या नाम है? मेरा नाम लाल बाबू है। अच्छा, मैं ड्राइवर से हूँ। क्या करते हैं? मैं चालक हूँ, गाड़ी चालक हूँ। अब बताइए, अगर कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? यहाँ से सीतामढ़ी तक गाड़ी चलाते हैं। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति यहाँ तो 4 लाइन खोज रहा है, मगर यहाँ अभी तक 2 लाइन भी नहीं बना, सिंगल लाइन में है। जगह जगह टोल लगा दिया, जगह जगह टोल लगा लिया, हमसे 100 रुपया, 110 रुपया, 125 रुपया लिया जा रहा है टोल टैक्स पर। मगर तो आपको पता है टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? टोल टैक्स हम लोग चलते हैं रोड पे, तो हम लोग तो 4 लाइन के लिए टोल टैक्स दे रहे हैं ना, 4 लाइन अभी तक बना नहीं है। तो सरकार गलत कर रही है इसका मतलब? सरकार तो सही एकदम स्वयं गलत कर रहा है। अगर कोई पी के जाए तो यो चौधरी को तो सबसे बड़ा दुख मिला दिया, तारी बंद करो। अरे भाई हम बिजनेस बंद करें तो कमाएंगे क्या? तो देखिए नितिन गडकरी जी, आप परिवहन मंत्री हैं, सड़कों की स्थिति, जो टोल टैक्स लिया जा रहा है उसको आप थोड़ा अपने अधिकारियों को वहाँ बैठाइए, समझिए टोल टैक्स में और क्या आपको जानकारी है। टोल टैक्स में अगर हम रोड में चलते हैं, अगर हाईवे है तो ठीक है। गडकरी को कुछ कहना चाहेंगे? परिवहन मंत्री वो है, मंत्री साहब को तो यही कहेंगे, मेरे आए हुए हैं, मंत्री साहब को तो यही कहेंगे कि कम से कम आप रोड पे ध्यान दीजिए और गरीब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि गरीब जो है इंदिराबाद से गरीब नहीं चलता है, 5 किलो चावल से कहीं नहीं गरीब चलता है। गरीब अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम 1100 रुपये का सिलेंडर कहाँ से खरीद पाएंगे। तो आवास योजना की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्र में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी यहाँ पर ही नहीं आ रहा है। शौचालय नहीं मिल रहा है? शौचालय तो हमको मिला ही नहीं, शौचालय घर घर में नल की व्यवस्था नहीं। में तो वार्ड मेंबर कहता है कि हमको 5000-2000 कमीशन दो तो हम दिलाएंगे। अब अगर नितेश जी अगर सही रहते तो हमको शौचालय के लिए स्वयं देते, वहाँ पर बैठो। अगर नितेश जी अगर सही रहते तो हमको शौचालय के लिए डायरेक्ट पैसा वहीं से भेजते, मगर यहाँ तो बोलता है कि बोलो हम वार्ड मेंबर या सब मुखिया हो या जिला परिषद कोई हो, वो तो कहता है पैसा दो तो काम करेंगे। तो देखिए अभी एक मिनट, अभी यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, और पूरे भारत में जहाँ पर भी जो है परिवहन की व्यवस्था उसको लेकर के जाते हैं। लेकिन एक मिनट सुनिए, नितिन गडकरी जी आपसे रिक्वेस्ट है, टोल टैक्स जनता इसलिए देती है कि हर टोल पर आपकी एक एम्बुलेंस होनी चाहिए और हर टोल पर आपके जो है एनएच के अधिकारी होने चाहिए। अगर उस रोड पर कोई कुत्ता ही मर जाता है तो 5 मिनट के अंदर उसको हटाया जाना चाहिए। ये जो है नियम परिवहन मंत्रालय के हैं और आपको इनको लागू करना चाहिए। जनता बहुत दुखी है जी। क्या कह रहे हैं आप? वार्ड पंच बुजुर्ग आदमी, इनसे भी कुछ। क्या नाम है? श्री जानकी देवी। क्या है आप क्षेत्र में? 11 नंबर के पंच बनाया है। 11 नंबर के पंच हैं आप? तो क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, समस्या? हमको तो समस्या ठीक है चलता है, हमको पंचायत में आवास योजना मिल रहा है। देखिए लोगों के घरों के घर देखिए क्या है, लोग के यहाँ पानी भी भरता है। हाँ। ये समस्या नहीं दिख रहा आपको? बरसात वाला पानी भरा ही है दूरा पर बोलियो ना, पानी भरे छी ना बरसात है। तो इसमें क्या करें, इसमें पानी भरता है, इसमें क्या करें, मछली उगा लें? इसमें पानी भरता है बोलो ना कि पानी भर जाता है, पानी अब रोड से निचाते था। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, आरक्षण का लाभ अगर जनता को मिलता है तो क्या होगा? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है भैया। नहीं, मंत्री मुकेश सहनी जो आरक्षण मांग रहे हैं, अगर वो मिलता है तो उससे क्या लाभ होगा जनता को? अब वो तो आने वाले वक्त न बताएगी।
मतलब नहीं है। आरक्षण क्या है वो आने वाले वक्त बताएगी, क्या वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। किसको वोट दिए हैं? मैं क्यों खोलूं? मैं नहीं खोलूंगा। आप मत खोलिए। हाँ मैं नहीं खोलूंगा। क्या करते हैं? मैं प्रोफेशन से डीलर हूँ। किस चीज़ की डीलिंग करते हैं? जन वितरण प्रणाली विक्रेता। उसमें क्या होता है ये आप नहीं जान रहे हैं? नहीं आप बताइए। आप मीडिया दर्शकों को बताइए। आप मीडिया वाले जन वितरण विक्रेता बता दीजिए ना, ओपन करके थोड़ा सा। सरकारी खदान। तो क्या स्थिति है उसमें? क्या अभी मैं सस्पेंड हूँ। सस्पेंड है? मैं जानबूझ के दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के ही रहने वाले हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा अभी जो सरकार भारत में जो सरकार चल रही है वो सरकार बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जानकारी है? चल रही है लेकिन प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अब डिजिटल इंडिया हो गया है, उसमें तो अब बहुत गरीब लोग मर रहे हैं। हालांकि कोई चीज़ अब गरीब लोग को कोई सुविधा मिल नहीं रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो निजीकरण हो रहा है उसका जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त न बताएगा भैया, मैं तो नहीं बता सकता। ईवीएम मशीन पे भरोसा है? भरोसा तो हमको कोई मशीने पे नहीं है। ईवीएम जिससे वोट डलता है उस पर है, गड़बड़ होता है कि नहीं? एकदम बिल्कुल होता है गड़बड़ जी, ये मानते।